ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल का मंडे नाइट रॉ नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। WWE वाले ने भाई पहले से ही बहुत सारे मेन मैचेस को एडवर्टाइज कर दी कल के रॉ को। जैसे कल के रॉ के ऊपर आपको टूर्नामेंट का आपको सेमीफाइनल मैच आपको देखने को मिलेगा जे उसो वर्सेस गुंथर के बीच। इस मैच के अंदर जो भी रेसलर विन करने वाला सीधे जाने वाला किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। वैसे मेरा पिक तो भाई यहाँ पर जे उसो का, पर हाँ यहाँ पर गुंथर का भी काफी हाई चांसेस है विन करने का। देन इसके बाद आपको वुमेन्स रेसलर का भी आपको क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलने वाला, जिसके अंदर मेरे ख्याल से योशिकाई विन कर जाने वाला। योशिकाई का भाई इस बार 100% फिक्स है, इस बार मतलब वो क्वीन बनने वाली है। देन इसको नेक्स्ट आपको शो के ऊपर चैट के लो सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलने वाला है फिर सेगमेंट, भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा इनका ऑलरेडी मैच हो रहा है, तो भाई मेरे ख्याल से एक सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। वैसे नेक्स्ट मैं आपको एक बड़ा कमाल का चीज दिखाता हूं। WWE नॉस्टैल्जिया वालों ने भाई एक पोस्ट को किया जो कि सच में काफी कमाल का है। पोस्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं 99 प्रॉब्लम, नीचे लिखा है उन्होंने 1 सॉल्यूशन। भाई रियलिटी भी है कि भाई WWE कंपनी के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं। भाई जितने भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन एक ही है, भाई रोमन रेंस को बस रिटर्न करवा दो। शायद बिलीव नो पर भाई WWE वाले मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन का भाई व्यूअरशिप पब्लिक नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं पता है कितना डाउन चला गया, पर मैं आपको हर एक वीक बताता था, पर 2-3 वीक से मैं आपको बता भी नहीं रहा। मेरे ख्याल से भाई जब रोमन रेंस वापस आ जाएंगे तो भाई मेरे ख्याल से सारे ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाएंगे। अभी करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर लोग सोलो सिकोवा को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, कोडी रोड्स को लेकर हंगामा मचा रहे हैं। सच में 99 प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का फिर से वापसी करवाना। मेरे ख्याल से भाई मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम के राउंड वापस आएंगे। नेक्स्ट में बात करते हैं आर्ट्रूथ के बारे में। तो भाई आर्ट्रूथ ने भाई कितने सारे अचीवमेंट WWE कंपनी के अंदर लिए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के अंदर। अगर मैं गलत हूँ तो भाई इन्होंने सिर्फ 54 अटेम्प्ट 24/7 चैंपियंस वर्ल्ड को इन्होंने विन किया। भाई अभी के टाइम पर ये बंदा पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का किंग है जिन्होंने 64 चैंपियंस वर्ल्ड को विन किया। ये रिकॉर्ड भाई ना ही रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर कोई रेसलर बना सकता है, ना ही कोई रेसलर इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। 64 चैंपियंस वर्ल्ड आप लोग समझ सकते हो भाई, हाईएस्ट जो है 40-45 चैंपियंस वर्ल्ड शायद से। बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई आज के 5 साल पहले हमें सबसे शॉकिंग हमें मनी इन द बैंक हमें देखने को मिला। मुस्तफा अली मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करने ही वाले होते तभी ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट हो जाता है। भाई मुस्तफा अली के पास भाई एनफ टाइम था उस मनी इन द बैंक ब्रीफ को उसको ग्रैब करने का, मतलब उसको लेने का। भाई वो बेचारे शॉक में चले जाते हैं और ब्रॉक लेसनर आकर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से भाई उस टाइम का सबसे शॉकिंग मोमेंट में से मतलब एक मोमेंट था। मैं आपको बता दूं भाई आज भी बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नहीं विन करना चाहिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो बंदा जो कि किसी को भी आसानी से हरा सकता था, उसको क्या जरूरी था मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करने। वैसे इसी दिन भाई हमें और भी बहुत सारे क्रेजी चीज देखने को मिले थे। हमें एजे स्टाइल वर्सेस हमें सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिला। साथ भाई कोफी किंगस्टन ने यहीं पर केविन ओवंस को हराया था इसी पीपीवी के अंदर। और बेली भाई सेम डे मनी इन द बैंक को विन करते हो, सेम डे उसको कैश इन करके WWE चैंपियन भी उस टाइम पर बन जाते हो। यार बुरा लगता है भाई जब याद करते हैं आज के 5 साल पहले WWE वाले किस तरीके का पीपीवी करवाती है, आज के टाइम पर भाई किस तरीके का करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई 100% में से मेरे अंदर मतलब 50% भी मतलब एक्साइटमेंट नहीं इस पीपीवी को देखने के। बात करते हैं रिकी सी के बारे में। तो भाई रिकी सी ने भाई फाइनली अब इस बात को बोल दिया, वो ब्लड लाइन के अंदर आने वाला स्टोरी लाइन के अंदर वो इन्वॉल्व होने वाला। रिकी सी ने बोला कि मेरा कई बार मन करता है इस स्टोरी लाइन से दूर जाने का, पर मैं खुद को दूर नहीं कर पाता। साथ ही साथ वो इस बात को बोलते कि ये स्टोरी लाइन जितना कमाल का चल रहा है मुझे नहीं लगता मैं खुद को इससे ज्यादा दूर कर पाऊंगा। भाई रिकी सी ने अपने तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो इस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले। आप लोग बस अज्यूम करो भाई, एक तरफ पॉल हेमन रहेंगे मैनेजर, एक तरफ रिकी सी रहेंगे मैनेजर। वैसे ये कब होगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ समर स्लैम या फिर आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलने वाला, क्योंकि भाई ब्लड लाइन का सिविल वार भी भाई आपको मतलब उसी टाइम पर आपको देखने को मिलने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं रायबैक के बारे में। तो भाई रायबैक भाई पूरे दुनिया को फ्री का ज्ञान देते, इसलिए भाई इसको रेसलिंग कंपनी वालों ने ब्लॉक कर दिया। भाई रायबैक वो कचड़ा जिसको पिछले 8 साल से कोई भी कंपनी वाले अपने कंपनी के अंदर साइन ही नहीं करना चाहते। ये बंदा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर मतलब सिर्फ भाई भड़ास उतारता है। नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। तो भाई फाइनली भाई केविन ओवंस ने WWE कंपनी से एक लंबा छुट्टी ले लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई अभी करंट टाइम भाई केविन ओवंस अपने माल के साथ पेरिस के अंदर घूम रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है भाई एक मंथ के अप्रोक्स केविन ओवंस वहां पर रहने वाले, उसके बाद मतलब अपना रिटर्न करेंगे। केविन ओवंस भाई जब रिटर्न करेंगे तो भाई मे बी इनका रिटर्न ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही होने वाला, क्योंकि भाई ये बंदा पिछले 4 साल से ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन के अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं नटालिया के बारे में। तो नटालिया ने भाई रिसेंट टाइम इस बात को बोला है कि वो अपने कैरियर में आज के टाइम पर सबसे बेस्ट कर रही है। मुझे नहीं पता भाई सारे मैचेज हारने के बाद मतलब कौन सा रेसलर सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। वैसे साथ ही साथ भाई नटालिया ने इस बात को बोला है कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाएगा उसके बावजूद भी ये रिटायर नहीं होने वाली है। अपने कॉन्ट्रैक्ट को अभी वो और आगे बढ़ाने वाले, अभी फिलहाल रिटायर नहीं होने वाले। वैसे अगर आपको नहीं पता तो भाई नटालिया सबसे ज्यादा टाइम तक रेसल करने वाले वुमेन्स रेसलर अभी करंट टाइम में। नटालिया भाई अभी के टाइम पर एनएक्सटी के अंदर काफी अच्छा काम करे, सेना बेजले भी भाई करंट टाइम एनएक्सटी के अंदर जा चुके हैं। इन लोग का भाई अलग ही सीन रहता है भाई, कौन सा रेसलर कहां चला जाता कुछ पता ही नहीं चलता। बात करते हैं अलेक्सा ब्लेस के बारे में। तो भाई अलेक्सा ब्लेस इस बात को बोल चुके वो ब्रे वाइट के साथ इन्वॉल्व नहीं, वो अंकल हॉडे के साथ इन्वॉल्व नहीं। भाई रिसेंट टाइम में क्या हुआ, अंकल हॉडे का जब लाइव स्ट्रीम चल रहा था तो उसके बीच में अलेक्सा ब्लेस ने ट्वीट किया और उस ट्वीट को उन्होंने तुरंत ही मतलब रिमूव कर दिया। भाई अलेक्सा ब्लेस भाई इस बात को चाहे जितना भी इग्नोर करे, मेरे ख्याल से व्हाइट सिक्स का पार्ट रहने वाला है। भाई अगर अंकल हॉडे का रिटर्न हमें सऊदी के अंदर देखने को नहीं मिला तो भाई सच में मेरा मूड भाई लिटरली ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं गुंथर के बारे में। तो भाई बताया ये जा रहा है भाई गुंथर शायद से मंडे नाइट रॉ के ऊपर जे उसो को हरा सकते हैं। आपको टूर्नामेंट के अंदर जो
फाइनल जो मैच देखने को मिलेगा वो गुंथर वर्सेस टामा टोंगा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं भाई कल के रॉक ओपर क्या होने वाला, क्योंकि भाई उधर टामा टोंगा विन करने वाला, ये चीज बिल्कुल फिक्स है। बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, तो भाई डीन एम्ब्रोस बहुत कम सोशल मीडिया के ऊपर बोलते हैं, पर भाई कभी कभी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। डीन एम्ब्रोस रिसेंट टाइम भाई ट्विटर को लेकर बहुत ज्यादा बुरा बोले कि मतलब ट्विटर सबसे बकवास चीज है, पूरा दुनिया का सबसे गंदा चीज है, इसलिए वो खुद को ट्विटर से बहुत ज्यादा दूर रखते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे फेक न्यूज भी फैला जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मतलब ऑडियंस को बोला कि तुम अपने फोन को गार्बेज के अंदर फेंक दो, ट्विटर वगैरह से तुम लोग दूर रहो। और मैंने देखा भाई डीन एम्ब्रोस हो गए या फिर ब्रॉक लेसनर हो गए, ये सब रेसलर ट्विटर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। रोमन रेंज भी भाई बहुत कम ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल वो दूर रहते हैं। वैसे रिसेंट टाइम में डीन एम्ब्रोस ने AEW कंपनी के अंदर एक बड़ा कमाल का प्रोमो कट किया था, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को बोला था कि हम लोग पैसा के लिए यहाँ पर खेलने नहीं आते, हम लोग ब्लड के लिए यहाँ पर खेलने आते हैं। बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में, तो भाई अगर आपको याद होगा डब्ल्यू वाले भाई इवोल्यूशन नाम का एक पीपीवी करवाई थी छोटा सा, जिसके अंदर उन्होंने सारे वुमेन्स रेसलर को फीचर किया था, तो भाई शायद से फिर से हमें देखने को मिल सकता है। इवोल्यूशन 2 करके इस पीपीवी का नाम होगा, जो कि हमें शायद से देखने को मिल सकता है, ऐसा हिंट आ रहा है, क्योंकि भाई रिसेंट टाइम बेली ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं सारे। बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, तो भाई लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट का मैच आप लोग कंफर्म ही मान लो भाई इस बार का समर स्लैम, ये मैच यूएस टाइटल के लिए होगा, जिसके अंदर एले नाइट भाई यूएस चैंपियन बन जाने वाले समर स्लैम के अंदर फाइनल। बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, तो भाई लोगन पॉल को भाई रिसेंट टाइम बहुत ज्यादा तारीफ मिला लेक्स लूगर की तरफ से। लेक्स लूगर इस बात को बताते हैं कि लोगन पॉल एक सच में बहुत बेहतरीन एक रेसलर है, उसका माइक प्रेजेंस बहुत ज्यादा बेहतर है, वो जिस तरीके से एक्टिंग करता है कैमरा के सामने वो सच में नेक्स्ट लेवल का है। भाई मैं भी इस बात को मानता हूँ कि भाई लोगन पॉल एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस तो भाई मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन एक रेसलर है, जितना एंटरटेन कर पाते हैं अपने स्टोरी लाइन के अंदर, जितना ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं, बहुत कम रेसलर ऐसा कर पाते हैं। बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में, तो भाई डैनियल ब्रायन भाई सबसे पहले AEW कंपनी से रिटायर होने के बाद सबसे पहले अपना पूरा सर्जरी वगैरह करवाने वाले हैं। अगर मैं गलत हूं तो भाई इनके आर्म के अंदर भी इंजरी है करंट टाइम, मतलब इनके नेक के अंदर भी इंजरी है, रिटायर होने के बाद सबसे पहले भाई अपना पूरा सर्जरी वगैरह करवाने वाले हैं, और उसके बाद शायद से डैनियल ब्रायन किसी और कंपनी के अंदर फ्यूचर में शायद से ज्वाइन करें। वैसे नेक्स्ट भाई अगर हम लोग क्वीन के बारे में बात करें, तो भाई यही चारों में से कोई एक रेसलर का मैच आपको देखने को मिल सकता है इस बार किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। और हां आप लोग जो बी ऑप्शन के अंदर देख रहे हो बियांका बेलेयर वर्सेस योशिकाई के बीच में, ये मैच का सबसे ज्यादा चांसेस है करंट टाइम। बात करते हैं नाया जैक्स के बारे में, तो भाई करंट टाइम भाई नाया जैक्स को ज्यादा अपना हील कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। नाया जैक्स ट्वीट करके इस बात को बताते हैं कि जेट कारगिल की बेटी को परेशान करने के बाद उनको बहुत गहरा नींद आया रात में। भाई बात वही भाई, ऑडियंस जिस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं डब्ल्यू वाले उसी को स्टोरी लाइन के अंदर बना दे। मेरे ख्याल से भाई आपको मोटी आंटी और नाया जैक्स के बीच में एक रिवाइवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं शील्ड के बारे में, तो भाई आज का ये दिन था जब आज के 11 साल पहले शील्ड के तीनों मेंबर के हाथ में मतलब चैंपियंस बेल्ट था। डीन एम्ब्रोस उस टाइम पर यूएस चैंपियन थे, मतलब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज उस टाइम पर विन किए थे टैग टीम चैंपियंस बेल्ट। मैं आपको बताने वाला हूँ आज के 28 साल पहले का कहानी, जब WCW कंपनी हुआ करता था, तो भाई उस टाइम पर एक बड़ा कमाल का मूवमेंट आया था, जब केविन नश स्कॉट हॉल वगैरह भाई सारे लोग WCW कंपनी को मतलब छोड़ने वाले थे, सारे लोग WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाले थे, पर भाई उससे पहले सारे लोग एक मैच के अंदर रेसल करते हैं। आप लोग जो तस्वीर देख रहे हो आज के 28 साल पहले का, ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल तस्वीर, जिसके अंदर भाई सारे लोग मतलब जाने से पहले आपस में गला मिलते हैं, 1996 का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भाई काफी इमोशनल एक मूवमेंट था उस टाइम के फैंस के। बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में, तो भाई बहुत दिन बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का फोटो निकलकर सामने है उनकी दो बिल्ली के साथ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई वो मतलब अपनी बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। वैसे केविन ओन्स ने भाई रिसेंट टाइम में मतलब अपने बुक के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में उन्होंने लिखा कि उनके लिए कितना प्राउड वाला मूवमेंट था जब उन्होंने मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को मैच रेसल करने के लिए मना लिया। ये 17 साल बाद हुआ था जब रेसलमेनिया 38 के अंदर स्टोन कोल्ड मैच रेसल करने के लिए केविन ओन्स के साथ मान गए। तो ये भाई मेरे ख्याल से केविन ओन्स के पूरे लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट मूवमेंट से एक मतलब मूवमेंट। वैसे भाई ये बंदा मेरे ख्याल से भाई अब नहीं आने वाला, चाहे इसको कितना ही पैसा दे दो तुम। नेक्स्ट मैं आपको एक बड़ा कमाल का तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर है मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन। लोग समझो भाई ये आज के 21-22 साल पुराना ये मतलब पोस्टर है भाई मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन। उस टाइम पर भाई मंडे नाइट रॉ के बैनर के टॉप पर गोल्डबर्ग हुआ करते थे, स्मैकडाउन के बैनर के टॉप पर ब्रॉक लेसनर हुआ करते थे, जबकि ब्रॉक लेसनर उस टाइम पर मतलब सिर्फ 25 ईयर के हुआ करते थे। गोल्डबर्ग के पीछे आप लोग जितने भी रेसलर देख रहे हो भाई, ये सारे रेसलर गोल्डबर्ग से बहुत ज्यादा जला करते थे, क्योंकि गोल्डबर्ग को उतना बेहतरीन रेसलिंग नहीं आता था, सारे लोग से थोड़ा सा ऐंट करो बात करते थे, उसके बावजूद भी मतलब इनको सबसे हाई रैंक मिला हुआ था। बात करते हैं शॉन माइकल के बारे में, तो भाई अगर आपको ये सब कहानी सुनना पसंद है तो भाई मैं आपको सुनाया करूंगा। हुआ क्या था भाई 1998 के टाइम पर शायद शॉन माइकल मतलब इंजर्ड हो गए। उस टाइम के शॉन माइकल एक लौते ऐसे रेसलर थे पूरे रेसलिंग हिस्ट्री को जिनको विंस मैकमैन ने भाई पैसा दिया था इंजर्ड होने के बावजूद, ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर के साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। शॉन माइकल 4 साल तक इंजर्ड थे, उसके बावजूद भी विंस मैकमैन उनको $3 मिलियन देते थे ताकि ये किसी और कंपनी के अंदर ना जा सके। उसके बाद फाइनली शॉन माइकल ने 2002 के अंदर अपना फिर से अपना इन रिंग डेब्यू किया था, मतलब अपना रिटर्न किया। फिर 2010 तक मतलब 8 सालों तक शॉन माइकल लगातार रेसल किए थे। उस टाइम पर विंस मैकमैन को लोग बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि आप शॉन माइकल के लिए इतना पागल क्यों है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि इनफैक्ट शॉन माइकल अपना रिकवरी ही न कर पाए, मतलब वापस ही कभी ना। वैसे एक्चुअली आप में से बहुत कम लोग शॉन माइकल के बारे में जानते होंगे, भाई शॉन माइकल को शायद सेक्सी बॉय ऐसे कहा जाता था। 1996 के टाइम पर भाई शॉन माइकल अपने टाइम के सबसे बड़े हीरो थे अपने टाइम, इनको एक्चुअली पूरे रेसलिंग हिस्ट्री का आज भी सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर बोला जाता है। वैसे अगर आपको ये सब कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं आपको बताया करूंगा हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ, आप लोग बता दिएगा कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं
ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ने भाई रिसेंट टाइम में कमेंट किया जॉन सीना को लेकर कि जॉन सीना का कैरियर का डाउनफॉल आ चुका है जब से वो रेसलमेनिया 39 के अंदर वो ऑस्टिन थ्योरी से मैच हारे हैं। वैसे मेरे ख्याल से इस बात का कोई भी सेंस बनता नहीं। बात करते हैं जे उसो के बारे में, तो भाई जे उसो का आप लोग जो करेंट टाइम लुक देख रहे हो ये लुक मतलब वो ब्रेट हार्ट का फॉलो कर रहे हैं। बात करते हैं डीआईवाई के दोनों मेंबर के बारे में, तो भाई इन्होंने फिर से इंटरव्यू के अंदर इस बात को रिवील किया कि इनका सपना है टैग टीम चैंपियंस वर्ल्ड विन करने का। हां आप लोग टेंशन मतलब भाई समर स्लैम के नॉट एसआई से विन भी कर जाने वाले। ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड विजिट मुझे नहीं आता इंग्लिश बोलने।